आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में किसी ऐप के आइकन को मूव कर रहे हैं या फिर किसी विजेट को मूव कर रहे हैं, देख सकते हैं इस टाइप से, और यहाँ पर आइकन मूव नहीं होता है और यहाँ पर आपको शो होता है होम स्क्रीन लॉक्ड। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, आइए जान लेते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स को सबसे पहले ओपन करिए। यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके एक ये वाला ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के नाम से, या फिर आपके फ़ोन में हो सकता है ओनली आपको मिलेगा होम स्क्रीन के नाम से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलेगा अपने फ़ोन में होम स्क्रीन की सेटिंग्स के लिए, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो जब आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद टाइप करिए होम स्क्रीन। होम टाइप करने के बाद होम स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा आपके सर्च में, तो इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे, देख सकते हैं लॉक होम स्क्रीन या फिर आपको मिलेगा लॉक होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन। ये आपका चालू होगा, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इस ऑप्शन को बंद करेंगे। यहाँ से बंद करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशंस को मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं होम स्क्रीन लॉक्ड वाली प्रॉब्लम अब नहीं आ रही है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।